देश की फिल्म इंडस्ट्री में पिछले काफी वक्त से तूफान आया हुआ है। पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया और अब ड्रग्स कनेक्शन के मसले पर बॉलीवुड कई धड़ों में बढ़ गया है। लोकसभा सांसद रवि किशन ने ड्रग्स कनेक्शन के मसले को संसद में उठाया तो राज्यसभा में जया बच्चन उन पर ही बरस पड़ी। अब दोनों के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। बुधवार सुबह रवि किशन ने एक और ट्वीट किया और इसी मसले पर किस तरह निशाना साधा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने काफी शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। रवि किशन लिखते हैं, नशा फूंक कर है बढ़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर हो वे शमशान, बॉलीवुड का हित यही समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो ऐसा हो उपाय, वीर शिवा की भूमि पर बंद करो ये पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया कि रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है बचा लो देश की जवानी को, वक्त रहते जो ना जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक अलग तरीके से डायलॉग कहने के लिए मशहूर रवि किशन ने राजनीति भी अलग स्टाइल से ही की है और बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके समर्थन में भी लगातार बयान आ रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी रवि किशन का साथ दिया। राजू ने कहा कि फिल्म सिटी में जो ड्रग माफिया घूमते हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। राजू श्रीवास्तव के अलावा रणवीर शौरी समेत अन्य कई अभिनेताओं ने रवि किशन का समर्थन किया है। दरअसल रवि किशन ने लोकसभा में कहा था कि ड्रग्स का कल्चर देश में बढ़ रहा है और इसके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, ऐसे में जांच की जानी चाहिए। लेकिन मंगलवार को जया बच्चन ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि किशन पर निशाना साधते हुए जया बच्चन ने कहा कि जो सांसद उसी इंडस्ट्री से आए हैं वही ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। वहीं अगर जया बच्चन की बात करें तो बॉलीवुड से कई नामी ग्रामी सितारे जया बच्चन को भी समर्थन दे रहे हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जया बच्चन के विचारों पर अपनी सहमति दिखाई है। उनकी नजरों में कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना या फिर सभी को ड्रग्स से जोड़ना गलत है, लेकिन बॉलीवुड की ही एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने जया बच्चन से ही उनके बयान को लेकर जमकर उन पर ही निशाना साधा है, और ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि खुद कंगना रनौत है। हेमा मालिनी से पहले सोनम कपूर, अनुभव सिन्हा, फरहान अख्तर, तापसी पन्नू जैसे सेलेब्स भी जया के सपोर्ट में उतरे हैं। बॉलीवुड का एक तबका उनके बयान का दिल खोल कर स्वागत कर रहा है। उनकी नजरों में इंडस्ट्री के लिए इस अंदाज में खड़ा होना काबिले तारीफ है, लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर जया बच्चन को घेरा है। अभिषेक को इस विवाद में घसीटते हुए उन्होंने ट्वीट किया, जया जी आप तब भी वही बात कहेंगी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले, हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़ कर दिखाएं।